मुल्क की एक नामवर शख्सियत को यहाँ पर दावत दे रहा हूँ। ख्वातीन हजरात, पाकिस्तान टेलीविजन के वो पहले अनाउंसर, पाकिस्तान टेलीविजन के पहले न्यूज़कास्टर और पाकिस्तान टेलीविजन के वो प्रोड्यूसर जिन्होंने टेलीविजन के इर्तिकाई मनाजिल में टेलीविजन की बड़ी खिदमत की। हमें फख्र है, हमें खुशी है कि वो हम में से हैं। अब अल्लाह ताला ने उनके दर्जात और बुलंद कर दिए हैं। अब वो न सिर्फ एक आर्टिस्ट हैं बल्कि मेंबर नेशनल असेंबली भी हैं। ये पाकिस्तान की तारीख के पहले आर्टिस्ट हैं जो नेशनल असेंबली के मेंबर हैं। इस्तकबाल कीजिए, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि वह हमारी दावत में यहाँ इंतहाई मसरूफियत में से वक्त निकाल के तशरीफ लाए, जनाब तारिक अजीज। वालेकुम अस्सलाम। आपको अंदाजा था कि आप इलेक्ट हो जाएंगे, ये आपके करियर का रिस्क था? मुइन, सच्ची बात है कि मुझे पूरा यकीन था अपने रब के हुजूर के मैं कामयाब हो जाऊंगा। उसकी दो तीन वजूहात हैं जी। सियासत में हमेशा अंदाजे किए जाते हैं और उस अंदाजे पर फिर इंसान अपना खेल खेलता है। एक तो यह है कि मेरे पास पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात का टिकट था। दुरुस्त। मेरा लीडर पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर था। और दूसरा यह है, एक शेर के हवाले से बात हो जाती है कि यह एहतियात ही का करिश्मा गिना गया, ये एहतियात ही का करिश्मा गिना गया, रुस्वा न थे जो तेरे लिए सुरखरू हुए। यह है कि जमाना जब आप सियासत में जाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, एक लतीफा ही इसको कह लें कि एक शख्स को बचपन में खरकार अगवा करके ले गए, जवानी में कहीं वहां से भागा, वो अपने शहर आया और उसको 20 बरस के बाद हर चीज बदली हुई नजर आई। ना उसे अपने माँ बाप का पता, ना बहन भाइयों का पता, ना दोस्तों का। तो वो पूछता फिर रहा था तो किसी ने कहा कि भले आदमी ऐसा कर, इलेक्शन लड़ ले, तेरी सात पुश्तों का हिसाब जमाना सामने ले आएगा। एक बात बताइए, सियासत में आने की वजह क्या थी? क्या एक एक टेलीविजन के एक ऐसे आर्टिस्ट, एक ऐसे कॉम्पेयर के पाकिस्तान टेलीविजन का वो प्रोग्राम जो बुनियाद बना, जो इस तरह के प्रोग्राम्स की 23 साल से गालिबन आपका तारिक अजीज शो और नीलाम घर के नाम से शुरू हुआ, फिर वो तारिक अजीज शो में कन्वर्ट हो गया, करते करते इतना आपको फेम थी, अचानक आपने सियासत में आने का फैसला किया, इसकी वजह क्या थी? थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें कि सियासत मेरे खमीर में, मेरे लहू में थी, शायद आपके लिए ये इसमें खबरियत हो कि मेरे मरहूम बाप ने 1936 में अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लिखना शुरू किया था। 1930 में अल्लामा इकबाल ख्वाब देखते हैं, 1933 में चौधरी रहमत अली पाकिस्तान का नाम देते हैं। तो उस वक्त हिंदुस्तान में चंद लोग थे जिन्होंने ये इरफान किया और अपने नाम का हिस्सा बना लिया। तो मेरे मरहूम बाप ने 1936 में अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लिखना शुरू किया। पाकिस्तान में जो पहली अपोजिशन जमात बनी उसमें मेरे मरहूम बाप शामिल थे। तो यूं सियासत मेरे घर में थी, अगरचे छोटी सतह पर थी, लेकिन हम सियासी कार्य। ये तो एक वजह हुई जी। उसकी दूसरी असल वजह क्या थी? दूसरी वजह यह है कि मैं जिस तबके से हूं, मैं महरूम तबकात का आदमी हूं। और ये बात मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि मैं जब साहिवाल से लाहौर आता था जी, तो कभी मेरे पास 3 रुपए भी नहीं होते थे कि मैं वो शेर पंजाब किस्म के होटल में रात गुजार लूं। तो लाहौर रेलवे स्टेशन के सामने एक बहुत बड़ा बागीचा सा था, मैं अक्सर रातें वहां बेंच पर सो जाया करता था। और देखें, कुरान कहता है कि हम तुम्हारे दरमियान दिनों को किस तरह फेर देते हैं, कि जिस लाहौर में मेरे पास सोने की जगह नहीं थी, उस लाहौर ने मुझे अपना नुमाइंदा बनाकर कौमी असेंबली मेंबर नेशनल।
ये जो स्टैंडिंग कमेटी है उसकी एक जेली कमेटी है, उसके आप प्रेसिडेंट हैं जी। आप एक बात बताइए, ये आर्टिस्टों की बेहतरी के लिए आपने कोई काम किया? आप ये यकीन कर लें कि 1970 में जब पहली बार पाकिस्तान आर्टिस्ट इक्विटी बनी है तो उसको बनाने वालों में से मैं था। गोया आज से 30 बरस पहले भी मैं आर्टिस्टों की फलाह बहबूद के लिए सोच रहा था। इंशाल्लाह मैं बहुत कुछ करूंगा। ओके, अब मैं आपसे कुछ पर्सनल बातें करूंगा। ये तो पॉलिटिक्स पे बात हो गई। अभी तक क्या आप शहर की बातें कर रहे हैं? नहीं, मतलब मैं अभी जो बात कर रहा था वो आपके इस मौजूदा करियर के बारे में बात कर रहा था। आप एक बात बताइए, शो बिजनेस में फिल्मों में काम किया, टेलीविजन पे काम किया, रेडियो से मुंसलिक रहे, आप कभी जिंदगी में कोई अच्छा लगा? बहुत से लोग अच्छे ये लगे। ये बड़ा डेयरिंग सवाल है, इस पे तो बहुत डेयरिंग तालियां बजनी चाहिए। जो सबसे अच्छा लगा वो इस वक्त मेरे साथ है, मेरे घर में है और पिछले 16 बरस से मेरे साथ है। बात ही खत्म कर दी आप। डिश और पाकिस्तान टेलीविजन का अगर मुआवजना किया जाए तो पाकिस्तान टेलीविजन को कहां पाते हैं? इस पर मेरा बाज दोस्तों से इख्तिलाफ है। मेरा ये ईमान है, इकान है कि हम अगर दुनिया को मुसख़र कर सकते हैं तो अपने मशरकी अंदाज से अपनी अकदार को मद्देनजर रखते हुए कर सकते हैं। डिश पर जो कुछ हो रहा है आप मुझसे बेहतर जानते हैं और वो जहां तक हदूद को फरामोश कर रहे हैं, हम अगर उनकी पैरवी करेंगे तो हम वो कुछ नहीं कर सकते जो वो कर रहे हैं। हम अगर मुसख़र कर सकते हैं तो अपनी रिवायात के तहत ही कर सकते हैं। लिहाजा मैं पाकिस्तान टेलीविजन या हमारे और जितने चैनल्स हैं इनसे यही दरख्वास्त करूंगा कि हम बड़े मजबूत लोग हैं, उनके पास तो है ही कुछ नहीं, इसलिए वो उनके पास तो कपड़े भी नहीं है। एक जमाने में शेर कहना शुरू किया आपने और एक किताब लिखी अमजाद द दुख जी, उसके बाद एक जमूद आ गया उस तारिक अजीज पे जो शेर कहता था। आप कह सकते हैं कि जहन या शेर की देवी रूठ गई, लेकिन कभी कभी अब भी उससे मोहब्बत हो जाती है। तो जब मोहब्बत होती है तो शेर हो जाता है, लेकिन अब वो किताब का शौक मेरा नहीं रहा। ये पिछले दिनों मेरी किताब दूसरी आई है दास्तान, वो नसर में है, मैं आपको भेजूंगा जाके। जरूर, अगर वक्त मिले तो पढ़ लीजिए। जरूर पढ़ूंगा अगर इन चीजों से आपको वक्त मिल जाए तो। मतलब ये मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ? ये मैंने कब कहा, मैं खुद ये काम कर, बल्कि आप तो वो काम कर रहे हैं, अभी आप मियां बीवी का इंटरव्यू ले रहे थे, ये मैं बहुत पहले करता हूँ, अभी करता हूँ, लड़वाते हैं अभी भी, तो हम सब एक ही काम करते हैं कोई ऐसा। अच्छा, शेर की बात हो रही थी, मैं चाहूंगा कि आप हमारे मेहमानाने ग्रामी को कुछ शेर मैं आपको शेर सुना दूंगा। हम वो स्याह नसीब हैं वाह तारिक के शहर में, खोलें दुकान कफन की तो सब मर्द ना छोड़ दें। वाह 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 वाह। गजल के दो शेर याद आ गए कि मुद्दत के बाद देखा अजब उसका हाल है, मुद्दत के बाद देखा अजब उसका हाल है, चेहरे पे गहरे गम की लकीरों का जाल है। वाह। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा मुसाफिरों, इस दुख भरे दयार में जीना महाल है। वाह। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा मुसाफिरों, इस दुख भरे दयार में जीना महाल है। सयाद तूने पांव की जंजीर खोल दी, मैं जानता हूं ये भी कोई तेरी चाल है। वाह 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 वाह। मैं जानता हूं ये भी कोई तेरी चाल है। अच्छा,
फिल्मों से एक अरसे तक आपका नाता रहा जी, फिर आपने फिल्म को खैर बात कह दिया। ये मेरी तबीयत में तलबन थोड़ा सा है, ये इसको तबीयत की कमजोरी कह लें या ये कि मेरी प्यास ज्यादा थी और मैं एक दरवाजा खटखटाता था, खोलो ये भारी दरवाजा मुझको अंदर आने दो, बड़ा लड़ता था। दरवाजा खुलता है, मैं आप जाके देखता हूँ, ये है ये है ये है, कुछ देर कायम किया, फिर सोचा कि बस यही कुछ था, तो फिर मैं वहां से भागा। मुझे मैंने इसलिए सवाल किया मैंने कि आपकी पहली फिल्म इंसानियत। जी इंसानियत में ये किसी भी देखने वाले को ये नहीं लगा कि ये आपकी पहली फिल्म है, ये लगा कि एक बड़ा सीजनड और बहुत जयत कसम का जो आर्टिस्ट है उसमें एक जगह आपने सितार प्ले किया है। हाँ, खैर से एक जेबा मेरे गिर्द घूमती है और मैं सितार बजा रहा था। सही बात। अब अगर ऐसा सीन हो तो आपको करना अच्छा लगेगा? नहीं, मैं तो उस वक्त भी बड़ा शर्मिंदा था, अब तो नहीं। अब आपका जो ये शो है तारिक अजीज शो, इसमें जब कभी कभी आप मौज में आते हैं, मूड में आते हैं, तो कोई गाने वाला जब गा रहा होता है तो हमने देखा है टीवी पे कि आप भी साथ साथ गुनगुनाते हैं। तो क्या गुनाह है? कोई नहीं, मैंने ऐसी कोई बात की कि मैं कहता हूँ आप गुनगुनाते हैं, इसका मतलब ये कि गाने का शौक आपको भी है। शौक तो कभी खत्म होता नहीं है, एक लाइन अगर गुनगुना दे तो हमारे लिए तो हो जाए। अच्छा, मुझे पता था कि आप अपनी शरारत से बाज नहीं आएंगे, ये सारे वही तीर आजमा रहा है मुझ पर जो मैं लोगों पे आजमाया करता, तो ये तो नहीं होगा। बाकी आपको एक, मैं जाने से पहले जरूर, ये कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए और ये मैं पूरी दुनिया के सामने कह रहा हूँ कि पिछले दिनों एक हमारी मीटिंग थी तो मैं थोड़ा सा लेट पहुँचा, तो प्राइम मिनिस्टर बैठे थे और सब बैठे थे, तो यूं बैठा तो उन्होंने कहा कि वो कल मुझे इत्तेफाक हुआ गुजरते हुए, तो मुइन अख्तर आपकी नकल उतार रहा था और अगर आंखें बंद कर लो तो पहचाना नहीं जा सकता था कि तुम बोल रहे हो या मुइन। तो मैंने उनसे भी कहा था कि सर वो बड़ा ताकतवर आर्टिस्ट है और वो शराब नहीं करता है। अमेरिका गए थे, मैं आपको एक सच्चा, आप इजाजत दे तो मैं सुना दूं जरा सर मुख्तसर लो जी। अच्छा सुनिए, वहां जब हम गए तो 140 टेम्परेचर था, माइनस 40 था, तो थूको जम जाए चिमटे से उठाओ फेंक दो, इतनी सर्दी थी शिकागो में। तो वो जब आप चलते हैं तो बॉडी में स्टेटिक करंट पैदा होता है, तो आप किसी भी मेटल की चीज को हाथ लगाए तो करंट मारता है। जब मुझे पहला करंट पड़ा तो मैं और तारिक भाई साथ साथ थे, मुझे करंट से बेइंतहा खौफ आता है, मेरी जान निकलती है। तो मैंने कहा कि तारिक भाई मेरे हाथ में पता नहीं क्या हुआ, अब अजीब आदमी है, अभी तो ठीक ठीक चल रहा था, मेरा ख्याल ये है जरा तेरा बाजू रगड़ देता हूं, ये सर्दी की वजह से शायद कुछ ऐसा हो रहा है। मैंने कहा हाँ तारिक भाई शायद कुछ ऐसे ही हो रहा है। अब हम यूं करते करते रिसेप्शन पे पहुंचे, जब रिसेप्शन पे पहुंचे तो चाबी लेनी थी, वो चाबी भी मेटल की थी, मुझे पता था कि उस पर भी करंट लगने वाला है, तो मैंने कहा तारिक भाई चाबी? हाँ हाँ तू बैठ मैं ले लेता हूँ। इन्होंने हाथ लगाया तो एक झटका लगा। अच्छा, उस वक्त भी इन्होंने कुछ वो नहीं किया, आगे बढ़े तो लिफ्ट के जो बटन हैं उसमें भी स्टील लगा हुआ था, मेटल लगा हुआ था, उसमें भी मुझे पता था कि यहाँ हाथ लगाऊंगा तो करंट लगेगा, इन्होंने वहां हाथ लगाया, इनको फिर करंट लगा, तो कुछ बोले नहीं। अब मैं इनके एक्सप्रेशंस देख रहा हूँ, मैंने कहा आप कमरे में जब चाबी लगाएंगे तब भी इनको करंट लगेगा, तो इन्होंने कमरे में चाबी लगाई तो एक करंट मारा, तो मुझे देखा यूं करके और फिर ताले को देखा, कहने लगे यार इस होटल की वायरिंग खराब हो गई है क्या? हमारे इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं ताजदार आदिल। ताजदार आदिल के साथ आपने नीलाम घर गालिबन 12-13 साल किया या इससे भी ज्यादा। ये वही तो नहीं कि वो इस कमाल से खेल रहा था इश्क की बाजी, मैं अपनी फतह समझता था मात होने तक, ये वही ताजदार। बिल्कुल ये वही ताजदार। ताजदार बड़ा खूबसूरत शायर और इनके वालिद मोहतरम, तेरी नजर है मेरा दिल है क्या किया जाए, जुनून खिरद के मुकाबिल है क्या किया जाए, सबा सबा बराबादी। कितने अजीम शायर थे,
और मेरा जी चाहता है कि उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अनाउंस होना चाहिए। बहुत शुक्रिया ख्वातीन और हज़रात, मैं ज़ाती तौर पे शुक्रगुजार हूँ तारिक भाई का, क्योंकि इनके स्केजुअल का हमें इल्म है कि वो कितने मसरूफ हैं, और उसके बावजूद जब मैंने इनसे कहा कि आना है तो कहने लगे ना यार कहाँ, रात 1 बजे मेरी फ्लाइट है, क्यों मुझे सताएगा, सारा दिन मीटिंग्स हैं। मैंने कहा मेरी खातिर नहीं आ सकते, अब तूने ऐसा मेरे पे वार किया है, मैं इनकार तो कर ही नहीं सकता। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी आमद हमें याद रहेगी। एल जी होम अप्लायंसेज और क्राउन टॉप स्टार टेलीविजन बनाने वालों ने आपकी नज़र एक कलर टेलीविजन किया है, उसे कबूल कीजिए, क्योंकि मैं जब एक दफ़ा नीलाम घर में आया था आपने मुझे एक बेडरूम रेफ्रिजरेटर दिया था जिसका ठंडा पानी मैं आज भी पीता हूँ। बहुत शुक्रिया।